आवाज सुनाई दे रही है सबको? आवाज सुनाई दे रही है क्या? या आवाज नहीं सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है। ओके ओके, देखो ये लिख लिया सबने। अब इसकी यूनिट आएगा, यूनिट किसे कहते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर में आ जाएंगे। इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा इसको निकालने में दिक्कत ना आए, क्वेश्चन तो इसमें कंपैरिजन में ही पूछे जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, इसको क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो किसमें आते हैं आगे आपको बताया जाएगा। अब इसमें देखो इसकी यूनिट लिखो, यूनिट इंग्लिश यूनिट। तो यूनिट के लिए क्या होगा, देखो यूनिट। अब यूनिट अगर आप इसे करोगे एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में देखो चार्ज की यूनिट क्या होती है। एमकेएस यूनिट में चार्ज को किससे कम वो करते हैं, कूलाम से, और डिस्टेंस को किससे करते हैं, मीटर से। तो इसके एमकेएस सिस्टम में इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम मीटर। ठीक है, और अगर हम इसे सीजीएस सिस्टम में ले जा रहे हैं, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, तो 1 कूलाम इसको हम यहां पे लिखते हैं 10^-10 ES U, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और यहां पे हम इसे लिखते हैं 10^-8 cm। तो ओवरऑल ये हो जाता है 10^-18 ES U cm। ठीक है, और अगर हम इसको यहाँ पे कूलाम्स में लिखते हैं, कूलाम्स के लिए क्या होगा, देखो कूलाम होता है आपका 10^-19 करके होता है। ठीक है, इसका 1 कूलाम में कितना होगा ESU या इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने होंगे, 1.6 × 10^-19 कूलाम, और ये होता है 10^-8 सेकेंड। ठीक है, सॉरी मीटर। तो यहाँ पे जो चेंज होगा, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाती है आपके पास एमकेएस। वापस बताओ एमकेएस में देखो कूलाम, जो चार्ज होता है चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, और जो डिस्टेंस होता है उसकी यूनिट होती है मीटर। ठीक है, अब और अगर सीजीएस में होता है तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और जो डिस्टेंस होगा उसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर। इसको हम एक और टेक्निकल वर्ड से यूज करते हैं, डिवाइस से। तो डिवाइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, जो चार्ज को हम यूज करते हैं 10^-10 से, और इसको, हाँ बस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिख लो फिर हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन को जल्दी जल्दी लिखोगे आप लोग तो क्या होगा, क्वेश्चन आंसर आसान हो जाएंगे बताने। रिटर्न ओके, सबने लिख लिया। आप देखो एक्चुअल में इसको यहां से डिनोट नहीं करते, इसकी जो एक्चुअल यूनिट होती है वो होती है डिवाई। इसकी जो एक्चुअल यूनिट होती है वो होती है व्हाट, एक्चुअल में हम इसको डिवाई से यूज करते हैं। जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट होती है डिवाई। ठीक है, एक्चुअल में हम इसे डिवाई से यूज करते हैं, और ये इसे लिखते हैं डी से। तो इसमें डी और इसमें रिलेशनशिप क्या होता है, देखो 1D = 10^-18 ES U cm, 10^-18 ES U cm। और अगर मैं इसको कूलाम मीटर में लिखूंगा तो देखो लिखा हुआ आपकी बुक में से 3.33 × 10^, अगर हम इसे लिखेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 3.33 × 10^-30 कूलाम मीटर। तो ये है 1 डिवाई का आपके पास। अगर सपोज करो आपको डिवाई में ना देके किसमें दे दिया कूलाम मीटर में, तो आपको ये रिलेशनशिप याद रखना है। और अगर आपको दे दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक में और सेंटीमीटर में, तो ये वाला आपको फॉर ओ कन्वर्जन याद रखना कि 1D = 10^-18 ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये छोटी यूनिट होती है सीजीएस वाली सेंटीमीटर, और ये होगा कूलाम मीटर। इसे जल्दी जल्दी लिखते चले जाओ।
क्योंकि इंफॉर्मेशन है ये केवल, यहाँ पे क्वेश्चन बनते नहीं है आपके, क्वेश्चन आगे बनेंगे, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन अभी आगे आएंगे जो इसके पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। रिटर्न, ओके। अब इसे लिख लिया सबने, स्क्रीनशॉट ले लेना इसकी, दिख तो रहा है ना सबको ये, किसी को दिखने में दिक्कत आ रही तो बताओ। सर सीजीएस नहीं आया, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो जो कुलाम है, अगर मैं कुलाम को सीजीएस में लिखूंगा तो उसे लिखते हैं ESU, जैसे मीटर होता है, मीटर का क्या होता है सेंटीमीटर होता है, ऐसे कुलाम का सीजीएस में नाम होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो इसीलिए इसका सीजीएस में जो यूनिट होती है चार्ज की, वो होती है ESU, और सीजीएस में मीटर को आपको पता है सेंटीमीटर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना आंसर आ गया 10^-8। कैसे आया ये -8 होता है, देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मीटर होता है, मीटर को यहाँ पे जब हम क्वेश्चन देते हैं तो जनरली ये क्वेश्चन एंगस्ट्रॉम में आता है, जैसे मीटर के लिए 10^-10, तो ये क्या हो गया एंगस्ट्रॉम की वजह से आया। जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा जनरली वो मिलता है एंगस्ट्रॉम में, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10^-10 मीटर और इज इक्वल टू 10^-8 सेंटीमीटर। तो जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो उसको ध्यान में रखते हैं, वो क्वेश्चन आंसर को हम जो क्वेश्चन देते हैं वो जनरली हम एंगस्ट्रॉम में देते हैं, तो यहाँ पे इसी यूनिट को चेंज किया होगा। और ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा आपको चार्ज को, तो आपको चेंज करना पड़ेगा, इसको हम चेंज करेंगे तो इस वजह से क्या होता है ये जो अप्रोक्सीमेट आता है ये वैल्यू ये आती है। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ जाते हैं, देखो इसको डिनोट करते हैं, ये केवल क्या है आपके पास यूनिट है बस, दिस इज द यूनिट ओनली। ये आगे मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो वहां पे और क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे आपके पास कि ये हमने कन्वर्जन कैसे करना है, ये आया कैसे। मैंने कहा पहले इंफॉर्मेशन होती है उसे आप जल्दी से लिख दिया करो, ताकि जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो वहां पे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन देखते हो तो उस समय समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हम उसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन आंसर के थ्रू तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये ऐसा क्यों किया था हमने। ठीक है, अब देखो इसको जनरली डिनोट करते हैं इस तरीके से, एरो से, डिनोटेड बाय एरो। इस एरो से हम इसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए हमेशा, ठीक है, और या फिर यहाँ पे होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स और यहाँ पे होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एक्चुअल में ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, दिस इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इन्फॉर्मेशन है। देखो अभी ये सारी इंफॉर्मेशन है, अप्लाई करोगे, अप्लाई करने में आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, जैसे जैसे आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है पहले लिखते जाओ, आगे इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, क्वेश्चन आंसर इतने सारे होंगे कि ये ऑटोमेटिकली 10 बार आ जाएगा आपके पास, जैसे हमने अभी किया था हाइब्रिडाइजेशन में, VSPR थ्योरी में या MO में, तो जितना ये इंफॉर्मेशन है ये ऑलरेडी आपके पास आती चली जाएगी, इसीलिए इसके इंफॉर्मेशन को जितना जल्दी है उतना लिखते चले जाओ। लिख लिया सबने ये? कभी भी एक कंपाउंड आएगा हम वन बाय वन इसे अप्लाई करते हैं, मैं डायरेक्ट अप्लाई करवाता हूं आप लोगों से, डायरेक्ट हम इसे अप्लाई करते हैं। अब रिटर्न, नहीं ये हार्ड नहीं है, ये बहुत आसान है, अभी आपको स्टार्टिंग में लग रहा है बस, ये तो बहुत आसान सा है, बिल्कुल हार्ड ही नहीं है, ये बहुत सॉफ्ट है, अभी स्टार्टिंग में लग रहा है आपको हार्ड, अभी आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो आप बोलोगे ये कोई क्वेश्चन है क्या। ठीक है, बस स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो पहले मैं हार्ड वाला नहीं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा आसान वाला बता देता हूँ। आज मैथ्स होगा, हाँ आज होगा मैथ्स आपका, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे मैं आप एग्जाम्पल के थ्रू बताना स्टार्ट कर देता हूं, देखो पहले हम करते हैं डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, डाई एटोमिक का मतलब होता है जिसका जिसमें दो एटम्स होंगे, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। तो डाई एटोमिक के टर्म्स में दो टर्म्स आते हैं, एक होता है होमो एटोमिक और एक होता है
हेट्रो एटोमिक। तो होमो एटोमिक अगर कोई भी होगा तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा, यानी ये सारे के सारे कैसे होंगे, नॉन पोलर। नॉन पोलर होंगे अगर होमो एटोमिक हो गए, सेम वाले हो गए। देखो इससे देखो एक चीज का पता चलता है हमें, पोलर नॉन पोलर और पोलैरिटी का पता चलता है। एक चीज का ध्यान रखना, डायपोल मोमेंट से हमें क्या पता चलेगा, पोलर नॉन पोलर एंड पोलैरिटी। देखो अगर डायपोल मोमेंट जीरो हुआ तो नॉन पोलर, अगर डायपोल मोमेंट मोर देन जीरो हुआ तो पोलर। और तीसरी चीज बताइए आपको कि जितना डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा उतनी पोलैरिटी ज्यादा होगी, जितना डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा उतनी पोलैरिटी ज्यादा होगी। अगर आपको कंफ्यूजन होता है किसी में तो ध्यान रखना, अब हम इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट है कि आपको चार्ज को प्रीडोमिनेंट करना है, यानी चार्ज भी बढ़ रहा है और डिस्टेंस कम हो रही है तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो हम यहाँ पे चार्ज को प्रीडोमिनेंट मानते हैं, जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। अगर चार्ज बढ़ रहा है और डिस्टेंस कम हो रहा है तो आपको कंफ्यूज होगा कि मल्टीप्लाई करके क्या होगा। तो ये ध्यान रखना कि अगर चार्ज बढ़ेगा और डिस्टेंस कम भी हो रहा है तो चार्ज को हम डोमिनेंट मानते हैं, और वहां पे अगर डायपोल मोमेंट बढ़ेगा अगर चार्ज भी बढ़ेगा तो, चाहे डिस्टेंस कम हो रही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर डिस्टेंस कम हो रही है लेकिन चार्ज बढ़ेगा तो उसका डायपोल मोमेंट भी बढ़ेगा। अब वन बाय वन हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं जिससे आपको ये आसान लगेगा, अभी थोड़ा टफ लग रहा होगा आपको, इसे जल्दी लिख लो। ये मेन स्टेटमेंट है इसका, ये पूरे उसका कंक्लूजन है, ये पोलर नॉन पोलर और पोलैरिटी। पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी जितना डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, यानी वो उतना ज्यादा पोलर है जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है। रिटर्न सर, कैन मेक एनीथिंग हलवा? यस। अब देखो इसको हम हलवा ही बना देते हैं बिल्कुल। आप बोलोगे भी कोई क्वेश्चंस हैं, अभी आपको टफ लग रहे हैं ये, अभी इसका हलवा बन जाएगा। देखो ये लिख लिया सबने, अभी आप कहोगे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो सर, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक, ये लिख लिया। आप देखो जो डाई एटोमिक होगा जिसमें दो एटम होंगे उसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा हर हमेशा, इसका ध्यान रखना आपने। चाहे कोई भी कंपाउंड ले लो, जो दो सेम एटम होंगे उसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा। यहाँ पे एक चीज मैंने लिखाना भूल गया, नेट डायपोल मोमेंट लिखना आपने, नेट। यहाँ पे फिजिक्स लगेगी आपकी, तो Cl2, N2 कोई भी ले लो, O2, H2, F2, I2, इन सबका डायपोल मोमेंट जीरो होगा, फिक्स है, और दे आर नॉन पोलर। इसकी तो सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब सेकेंड आता है कि जो हेट्रो एटोमिक होंगे, ये लिख लिया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों ने। होमो एटोमिक अगर दो होगा, होमो डाई एटोमिक, होमो डाई एटोमिक, डाई मतलब जिसमें दो ही एटम होंगे, तो वहां पे फिक्स है डायपोल मोमेंट जीरो होगा, नॉन पोलर होगा। अब सेकेंड पॉइंट में आते हैं हम लोग, हेट्रो डाई एटोमिक। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट। अब आएगा क्वेश्चन, देखो अब यहां पर क्वेश्चन आ गया, अब थोड़ा सोच समझ के बताना, वैसे तो आप लोग बता ही दोगे। देखो मैंने लिखा HF, दूसरा लिख दिया मैंने HCl, तीसरा लिख दिया मैंने HBr, और चौथा लिख दिया मैंने HI। अब इन चारों में से बताओ 1, 2, 3 and 4 सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा? 1, 2, 3, 4, हाँ अंश गांधी बिल्कुल सही है, और आयुष जाधव बिल्कुल सही, आदित्य मयकर सही है, पृथ्वीराज मिसिंग कर दिया आपने, रुजुल सही आंसर है, हाँ पृथ्वीराज सही आंसर है। तो देखो अनुजा मिसिंग हो गए, मिस कर दिया आपने, सार्थ सही आंसर। अब देखो सबसे पहले हम कंपेयर कैसे करेंगे, हाइड्रोजन 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 सेम। अब चार्ज देखो, अगर हमने चार्ज देखा तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन में चार्ज सबसे ज्यादा आएगा, फिर क्लोरीन में, फिर ब्रोमीन में, फिर आयोडीन। अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं, डिस्टेंस, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसका होगा, आयोडीन का, आयोडीन सबसे बड़ा है, फिर
फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। अब सवाल ये हो गया कि अब हम किसको बताएं, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई देखना है हमने। अब मैंने कहा चार्ज इनटू डिस्टेंस, अब चार्ज सबसे ज्यादा फ्लोरीन का और डिस्टेंस सबसे ज्यादा आयोडीन का, तो सवाल यह है कि अब डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, यही कंफ्यूजन था। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा कि जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमने किसको प्रेफरेंस देना है, हमेशा चार्ज को। हाँ सुचित्रा बिल्कुल सही आंसर, चार्ज को हमने हर हमेशा क्या करना है, प्रेफरेंस देना है। यानी ऑर्डर क्या होगा, 1, 2, 3 एंड 4। तो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर ये होगा, तो इसे लिख लो। ये क्वेश्चन आते हैं कई बार आपको, जिसमें चार्ज भी इंक्रीज होता है। देखो चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है और डिस्टेंस भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो सवाल ये आएगा कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। जनरली यहाँ पे आपको वैल्यूज निकालने के लिए नहीं आएगी, ध्यान रखना। वैल्यू के लिए आपको डाटा दिया होता है, वो कुछ ही क्वेश्चन होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आपको फिर कंपेयर करने के लिए आते हैं। यहाँ पे आपके पास ज्यादातर क्वेश्चन है जो कंपेयर करने वाले ही हैं, इसका ध्यान रखना। रिटर्न और नॉट लिख लिया, डन, वेरी गुड। अब देखो, अब हम इसके आगे आते हैं। इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर कोई भी दो हेट्रो एटम होगा, कोई भी दो हेट्रो एटम होगा, अगर कोई भी हेट्रो एटम्स होगा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी, ठीक है, कोई भी दो एटम हमने यूज किया है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो उसका डायपोल मोमेंट जीरो से ज्यादा होगा। यानी वो ऑलवेज क्या होगा, वो ऑलवेज पोलर होगा, वो ऑलवेज पोलर होगा। सोचने की जरूरत ही नहीं है हमें कि पोलर या नॉन पोलर। तो क्वेश्चन आएगा कि ये पोलर या नॉन पोलर, अगर आपको दिख गए दो अलग अलग हैं तो आप समझ जाना कि दिस इज पोलर, पोलर है अगर डिफरेंट वाले हो गए तो। अगर कोई डिफरेंट एटम्स हो गए, टू डिफरेंट एटम है, यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो आंख बंद करके ध्यान रखना कि वो डायपोल मोमेंट उसका जीरो से ज्यादा होगा और वो हर हमेशा पोलर होगा। रिटर्न और नॉट, बी फास्ट, गिव एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल अभी हमने दिया था, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, दो वाले, दो वाला आपको कौन सा आता है, देखो एच एफ हो गया, और कौन सा हमें दो वाले आते हैं जिसमें दो हो गया, सी ओ हो गया, एन ओ हो गया, कोई भी जो जिसमें दो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स आते, तो आपको पता चल गया कि डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं, तो इसमें इसका डायपोल मोमेंट होगा ही होगा, कुछ ना कुछ होगा ही होगा, यानी जीरो नहीं होगा इसका। क्लियर है, कोई भी दो एटम चलो आप जो डिफरेंट डिफरेंट वाले होंगे वो इसके एग्जाम्पल हो। डन ना डन, डन और नॉट। अब आते हैं हम फिजिक्स के चैप्टर में। आपको लगेगा मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं आपको, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री, ठीक है, और केमिस्ट्री में फिजिक्स आ जाएगी, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। इन जनरल में भी ले सकता हूं मैं और ट्राई एटोमिक में भी ले सकता हूं। अगर मैंने कहा ट्राई एटोमिक के लिए, ट्राई एटोमिक, ट्राई का मतलब होता है जिसमें ट्राई अगेन है, आपको लिखा जाता है ना ट्राई अगेन, तो यहां पे ट्राई अगेन नहीं करना है, यहां पे लिखा है ट्राई मींस थ्री, ठीक है। तो तीन एटम वाले होंगे तो क्या होगा, अब देखो इन जनरल सीक्वेंस में मैं आपको बता देता हूं, जिसकी ज्योमेट्री रेगुलर थी, जिसका शेप रेगुलर वाला था, जिसकी ज्योमेट्री रेगुलर शेप वाली थी, ज्योमेट्री अगर रेगुलर है, रेगुलर, तो उसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा हर हमेशा, ऑलवेज जीरो। जैसे आपको मैंने क्या कहा था, जो उसमें था 3 0 4 0, यानी 3 bond pair 0 lone pair, 4 bond pair 0 lone pair, 5 bond pair और 0 lone pair, 6 bond pair 0 lone pair, इन सब का डायपोल मोमेंट जीरो होता है।
जितने भी आपको मैंने रेगुलर ज्योमेट्री के बताए थे, यानी जिसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, जनरली उसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा। तो कितना आसान सा टर्म्स बता दिया। अब आपने शेप देखा कि रेगुलर है जिसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, उसका डायपोल मोमेंट जीरो हो गया। जितनी भी ज्योमेट्री है जो रेगुलर ज्योमेट्री वाली है, यस्टरडे वाज ऑर्ग, देखो सब कुछ होगा उसमें, फिजिक्स अच्छा, फिजिक्स इसे लिखो, ये समझ जाओ आप लोग, अच्छा कुछ नहीं है। तो ज्योमेट्री जिसकी रेगुलर ज्योमेट्री होगी उसके लिए ये वर्ड है। अब कितना आसान है देखो, जैसे मैंने कहा BCl3, तो आप समझ जाओगे इसमें कोई लोन पेयर नहीं है तो डायपोल मोमेंट इज जीरो। जैसे मैंने कहा CCH4, इसमें कोई ज्योमेट्री नहीं है तो इसका जीरो, ठीक है, और CH4 और यह CCl4। तो ये रेगुलर ज्योमेट्री वाले, जैसे PCl5 तो रेगुलर ज्योमेट्री जीरो, ठीक। अब ये आया क्यों जीरो से मैं बता देता हूं, जल्दी जल्दी लिख लो इससे पहले, पहले इस स्टेटमेंट को लिख लो, फिर मैं जीरो को क्लियर कर देता हूं आपको, और जीरो के बाद हम आएंगे अपने टेक्निकल क्वेश्चंस में। अब मैं पूरे एग्जांपल नहीं लिख रहा हूं, आप लोग खुद लिख लेना एग्जांपल को, इसमें इसके बहुत सारे एग्जांपल लिखा है मैंने जीरो वाले के, जिसमें लोन पेयर नहीं होता, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है। तो डन, वेरी गुड। अब देखो एक का एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं, अब आपको लगेगा मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं आपको, लेकिन मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाता हूं, मैं आपको फिजिक्स में वेक्टर पढ़ा रहा हूं। वेक्टर देखो, वेक्टर सबने पढ़ा होगा, जैसे मैंने ये लिखा बी, यहाँ पे लिख दिया सी, यहाँ पे सी एल, और यहाँ पे भी सी एल लिख दिया। अभी मैंने कहा था इसकी डायरेक्शन होती है क्या, प्लस टू माइनस, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो इसको हम प्लस टू माइनस ऐसे दिखाते हैं। इसमें भी देखो इसे दिखाएंगे प्लस टू माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है, इसमें भी होगा प्लस टू माइनस। समझ में आ गया, जब भी आप डायपोल को, एक्चुअल में क्या होता है इसमें नेट नेट डायपोल मोमेंट देखा जाता है। एक्चुअल में हम क्या देखते हैं यहां पे, नेट डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट। कभी भी हमें कैलकुलेट करना है तो हम देखते हैं उसका नेट डायपोल मोमेंट, इसे हम ऑब्जर्व करेंगे। नेट डायपोल मोमेंट को हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे ऑलवेज, इसी के बेस पे डिसाइड होगा। अब इसका देखो, एक BCl का डायपोल मोमेंट होता है, क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास कि BCl का डायपोल मोमेंट तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन BCl3 का जीरो क्यों हो गया, इसका जीरो क्यों है, और BCl का कुछ ना कुछ क्यों है, BCl का कुछ ना कुछ क्यों है, क्योंकि इसमें भी चार्ज है, इसमें भी चार्ज है, तो जहां पे भी चार्ज होगा उसका डायपोल मोमेंट होगा ही होगा। लेकिन BCl3 का क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे नेट चार्ज जीरो हो जाता है। देखो ये इधर की डायरेक्शन में है, इन दोनों का अगर मैं नेट वेक्टर क्वांटिटी निकालूंगा तो वो इस तरीके से आती है, इन दोनों का नेट करके ये आएगा। अब देखो इसकी डायरेक्शन, वेक्टर का मतलब क्या होता है, जो डायरेक्शन में भी डिपेंड करता है और मैग्नीट्यूड में भी। तो सपोज ये प्लस फाइव हो गया तो ये अपोजिट डायरेक्शन में देखो ये हो जाएगा माइनस फाइव। इन दोनों का सम करके, वेक्टर में आपने ध्यान दिया होगा, इन दोनों का सम करोगे आप तो लगभग इस तरीके से आएगा ये, और जितना इसकी इसका मैग्नीट्यूड है उतना इसका मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन अलग अलग है तो साइन अलग अलग हो जाता है, तो इन दोनों का आंसर क्या होगा, प्लस और माइनस इज इक्वल टू जीरो। ओवरऑल नेट क्या होगा, जीरो होगा, नेट डायपोल मोमेंट इज जीरो। तो इसीलिए ये क्या होगा, दिस इज पोलर, ये पोलर होता है, और जबकि ये वाला पोर्शन होगा, सॉरी ये होगा नॉन पोलर, जीरो वाला होता है नॉन पोलर, और ये वाला होगा पोलर। समझ में आया सबको या नहीं आया, कभी भी आप लोग ने वेक्टर सम करना है, यहां पे आपने वेक्टर को सम करो इसका, इसमें वेक्टर को सम करना है,
आया कि समझ में नहीं आया आपको ये? जैसे सपोज करो, एक दूसरा इसे लिख लो, पहले जल्दी जल्दी लिख लो, बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, एक में भी आपको समझ में आ गया तो सब पूरा समझ में आएगा, एक जैसे हैं सारे, इसको लिखते चले जाओ, जिसको नहीं आया वो दूसरा है। अभी तो इसके 30-40 एग्जाम्पल आएंगे, उसमें से एक भी एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया तो सब आ जाएगा। जल्दी से लिखो, फास्ट, ठीक है? अभी बता रहा हूं, देखो इसको मैं हटा रहा हूं, जैसे अगर इसमें लीनियर वाला आ गया कोई, लीनियर, पहले लीनियर से स्टार्ट कर देता हूं। लीनियर का आ गया, जैसे मैंने कहा सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? ये प्लस चार्ज होता है आपको पता है, और ऑक्सीजन माइनस चार्ज होगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा। अब देखो, जिस प्लस टू माइनस से हम इंडिकेट करते हैं, से डिनोट करेंगे प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस। अब आप देखो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा? इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो क्या होना चाहिए? तो देखो वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ सार्थ बिल्कुल सही है, रुजुल बिल्कुल सही है, और सुचित्रा बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो सी ओ यहां पे भी है, सी ओ यहां पे भी है, तो क्या होगा, दोनों की क्वांटिटी सेम होगी। अगर सपोज करो ये होगा प्लस फाइव तो ये होगा माइनस फाइव, डायरेक्शन अलग अलग है। हाँ आदित्य मयकर बिल्कुल सही, मैंने कहा था दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी किस पे डिपेंड करेगी, वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड करेगी डायरेक्शन पे एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो इसका डायरेक्शन देखो इधर की साइड है, इसका डायरेक्शन इधर की साइड है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे और आंसर हमारा क्या होगा, जीरो, मींस दिस इज पोलर मॉलिक्यूल, ये नॉन पोलर नहीं होगा, जिसका डायपोल मोमेंट जीरो मींस नॉन पोलर। इसीलिए मैंने कहा था ये वेक्टर में आ गया, आप लोग अब वेक्टर में ध्यान रखना, अगर डायरेक्शन अलग अलग हुआ तो दैट इज नॉन पोलर। हाँ सार्थ बिल्कुल सही है, तो जो भी लीनियर होगा ट्राई एटोमिक वाला वो भी क्या होगा, हमेशा नॉन पोलर, उसका चार्ज जीरो होगा, डायपोल मोमेंट इज जीरो। क्लियर है? रिटर्न लिखते चले जाओ, 30-40 एग्जाम्पल आएंगे अभी आगे, पहले मैं आपको सब कुछ बताता हूँ फिर एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल पे करोगे आप, 3-4 करोगे आपको फिर हलवा लगेगा बहुत, ठीक है? अभी स्टार्टिंग, क्योंकि अभी नई चीज आपने देखी 1-2 टाइम्स, अभी आप जितनी जल्दी लिखोगे उतना हम क्या करेंगे, अगर 25 में बताऊंगा तो आपको 20 के बाद बिल्कुल समझ में आने लगेगा, ठीक है? इसीलिए हाँ 9 मिनट्स लेफ्ट हो गए सुचित्रा, इसीलिए जल्दी से जल्दी लिखना स्टार्ट कर दो, बस लिखते चले जाओ, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अब CO2 हटा देता हूं मैं यहां से, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए अब देखो, सोचो जरा सा, मैंने कहा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहां पे इलेक्ट्रॉन पे है, क्या इसका डायपोल मोमेंट, दो ही ऑप्शन है देखो, इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो, क्या होना चाहिए आपके को? ये मैंने बनाया है, बताओ। हाँ सार्थ बिल्कुल सही है, और पृथ्वीराज सही आंसर दे दिया, रुजुल सही है, 1 या 2 में बताओ, आदित्य मयकर, सुचित्रा। अगर आपको देखो इसमें, देखो इसमें एक बार फिर बता देता हूं, देखो ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको भी हम काउंट करेंगे, ये प्लस ये माइनस, इसको भी देखो आप, यहां देखो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो क्या इसका डायपोल मोमेंट कुछ होगा या कुछ नहीं होगा? और लोन पेयर होता है, लोन पेयर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, लोन पेयर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है? तो अभी मैंने आपको क्या आता, लोन पेयर आएंगे जहां पे लोन पेयर क्या करता है, ज्योमेट्री को डिस्ट्रक्ट कर देता है, तो ये जनरली पोलर नेचर वाला हो जाएगा, दिस इज पोलर नेचर, यानी इसका आंसर क्या होगा, सेकंड वाला। अभी करते चले जाओ, आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है? जैसे जैसे आप करते चले जाओगे आपको समझ में आएगा। अगर मैंने यहां पे लिखा, इसी को मैंने चेंज कर दिया, ये होगा आपका नॉन पोलर SO2, अगर मैंने इसको लिख दिया SO3,
एसओ थ्री मतलब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड। अब देखो ये प्लस ये माइनस का, तो इस तरीके से डिनोट करेंगे प्लस माइनस। इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, इस केस में क्या होगा? अब दो ही ऑप्शन है, पोलर या नॉन पोलर, फर्स्ट एंड सेकंड। नेट डायपोल मोमेंट, नेट अद्वैर अनुजा सार्थ ने बिल्कुल नहीं, अद्वैर आदित्य मयेकर और पृथ्वीराज सही है। रुजुल फर्स्ट और सेकंड में से क्या होगा? हाँ रुजुल सही आंसर है आपका। देखो करते चले जाओगे तो ज्यादा आएगा। सुचित्रा बिल्कुल सही आंसर है। सोचो जरा, देखो एसओ थ्री नेट डायपोल मोमेंट इसका जीरो हो जाएगा। सिद्धि बिल्कुल सही है, दिस इज नॉ नॉन पोलर। इसमें नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, नेट डायपोल मोमेंट इसका जीरो हो जाएगा। अगर लोन पेयर होगा तो लोन पेयर की पावर ज्यादा होती है, लोन पेयर ज्यादा पावरफुल होता है, इसी वजह से उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाता है, क्योंकि चार्ज सेपरेशन होता है ना, तो मैग्नीट्यूड जो लोन पेयर का होता है वो ज्यादा होता है, इसीलिए उसका कुछ ना कुछ आता है। मतलब हम ये नहीं कहते एग्जैक्टली कि निकालो, यहाँ पे ये पूछेगा बताओ जीरो से ज्यादा होगा या नहीं होगा, बस क्वेश्चन इतना ही आएगा आपके पास। ये नहीं बोलेगा कितना आएगा, वो बोलेगा बताओ डायपोल मोमेंट होगा या नहीं होगा, या ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। तो दिस इज नॉन पोलर, क्यों? क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड कौन सा आएगा फिर, यहाँ वाला। इन दोनों को अगर मैं सम करता हूँ, देखो डायपोल सम आपने किया होगा ऐसे करके, ये एक डायपोल दूसरे डायपोल को सम किया होगा आपने, तो इस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड आएगा। इसका फॉर्मूला भी है जो आगे मैं बताऊंगा आपको, अप्लाई करने के लिए नहीं आता है। हाँ चाहे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऑक्टेट एक्सटेंट से इसका कोई फर्क नहीं है इसमें। तो समझ में आया, ये एसओ थ्री लिखते चले जाओ। मैंने क्या कहा आपको कि कम से कम 20-25 आएंगे आपके पास, अगर एक भी आपको समझ में आ गया तो आपको पूरा डायपोल मोमेंट समझ में आ जाएगा। लिखते चले जाओ आप, जितने भी आ रहे हैं आपको देखो उसमें से क्या क्या वेरिएशन आ रही है। जनरली क्या ध्यान रखना है, लीनियर वाले जिसका जो ज्योमेट्री लीनियर होगी वो डायपोल मोमेंट उसका जीरो होगा, तो सोचने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसकी ज्योमेट्री लीनियर हो गई उसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा, फिक्स है ये। जिसकी ज्योमेट्री लीनियर है या शेप लीनियर है उसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा ऑलवेज। तो आपके पास फिक्स हो गया कि जितना आपने देखा कि अरे तो लीनियर शेप आ रहा तो क्या हो गया, जीरो हो गया। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी, जिसकी रेगुलर ज्योमेट्री हो गई, रेगुलर वाली होगी तो भी जीरो हो जाएगा। रेगुलर मतलब जिसमें लोन पेयर है ही नहीं, उसका भी जीरो हो गया। तो आपको दो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं बस। अब आपको ये ऑफलाइन में मिलेगा इसके आगे का। अब मैं देखो ऑफलाइन में आपको क्या क्या देने वाला हूं, आज आपको ध्यान रखना है उसे, आज आप पूरा देखो 5 o'clock तक आपके पास आएगा पूरा ऑफलाइन में। और आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, देखो पहला प्रॉपर नोट्स बना लो इसके, प्रॉपर नोट्स। नोट्स हर एक चीज के बनाने जरूरी है, बहुत ज्यादा। प्रॉपर नोट्स बनाओ, उसे देखो एक बार जैसे अभी आपने देखा ही, फिर नोट्स बना के उसको पूरे वीडियो को देखना है 1 या 2 times, और उसमें से देखो कि आपको कौन सी चीज, कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, इस पॉइंट को कौन सा आपने नहीं समझा, उसे नोट कर लो, नोट करो। उसे नोट करना है कि मुझे यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आई, उसे मुझे मैसेज करके लिख दो, या फिर ऑफलाइन जब कल डाउट या परसों का होगा उसे लिख के भेजो। पहले भेजोगे मुझे तो मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता रहेगा आपने क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मुझे आसानी होगी बताने में कि मैं जल्दी जल्दी उसे बता दूंगा आपको। तो क्वेश्चन मुझे सारे नोट करके मुझे भेज दो कि ये पॉइंट मुझे नहीं आया था, ये नहीं आया था, ये नहीं आया, ये नहीं आया, तो वो नोट बना के मुझे भेजो, ताकि क्या होगा मैं आसानी से उसके क्वेश्चन ज्यादा ले सकूं, जिससे हमें क्या होगा आपको ज्यादा समझ में आएगा। हाँ पूरा डाउट सेशन ही होगा कल और परसों, 2 days का है पूरा, 2 days पूरा डाउट सेशन, जहां से जो क्वेश्चन आपको लगता है ये चीज नहीं आई है पूरा मुझे पूछो, मुझे मैसेज करके भी लिख दो, ताकि आपको समझ, मुझे समझ में आ जाएगा आपको कौन सी चीज नहीं आई है समझ में। हाँ आज भी पूछ सकते हो आप लोग, आज से 3 days पूरा है, जितना है जो जो चीज नहीं आई उसे मुझे पूछो, टाइम ले लो आप मुझसे,
कि ये चीज नहीं आई है, पूछना है उससे जरूर, क्योंकि कोई पॉइंट्स ऐसा होता है जो टफ होते हैं, कोई चीज ऐसी होती है जो हमें समझ में नहीं आती है, किसी दूसरे को जल्दी समझ में आ जाती है, तो हमें अपने आप को देखना है, दूसरे को नहीं देखना। हो सकता है एक पॉइंट सबको आ गया हो, आपको ना आया हो, उसे पूछो आप। ये नहीं सोचना कि सबको आ गया तो मुझे नहीं आया तो मैं नहीं पूछूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको नहीं आया है तो वो आपकी ड्यूटी है कि वो पूछना है, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये चीज आपको आई या ये चीज आपको नहीं आई। वो चीज मुझे यहाँ पे बैठ के पता नहीं चलेगा, जब आप मुझे बताओगे कि ये टॉपिक मुझे नहीं आया समझ में, तब मैं उससे ज्यादा आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी हम ज्यादा एग्जाम्पल लेते लेकिन टाइम कम बचा हुआ है, तो आपको मैं एप्लीकेशन के पॉइंट बता देता हूं जो हम आज पढ़ने वाले हैं। इसके एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में देखो छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं मैं, कि ये बताता है कि कौन सा पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है। जैसे अभी हम कह रहे थे कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है, पोलर के लिए ग्रेटर देन जीरो और नॉन पोलर के लिए इक्वल टू जीरो, और यहीं से हमें पता चलेगा सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। नॉन पोलर नॉन पोलर होगा तो मींस उसका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, और अगर पोलर होगा तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा, नॉन सिमेट्रिकल। सेम चीज है, देखो सेम चीज आ गई, अगर पोलर होगा तो नॉन सिमेट्रिकल होगा और अगर नॉन पोलर होगा तो सिमेट्रिकल होगा, ये चीज सब सेम है। तीसरी चीज ये हमें बताता है डिग्री ऑफ पोलैरिटी, डिग्री ऑफ पोलैरिटी, कौन ज्यादा पोलर है कौन कम पोलर है, जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसकी पोलैरिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसकी पोलैरिटी भी ज्यादा होगी, और डायपोल मोमेंट का भी आपको मैं ऑफलाइन में देता हूं पूरा लेक्चर इसका बता के, फिर देखो एक बार 1-2 times इसे रिवाइज करो, क्योंकि आज पूरा केमिस्ट्री के लिए लगा दो 2-3 days, ये पूरा क्योंकि केमिस्ट्री टेस्ट होगा, क्वेश्चन डिफरेंट आएंगे, तो वहां पे आपको जो कॉन्सेप्ट जिसने समझा होगा केवल वही कर सकता है बस। ठीक है, तो इसीलिए पूरा ध्यान फोकस केमिस्ट्री में लगा दो इस समय, कि आपको ये करना ही करना है किसी भी हालत में। ठीक, तीन चीज आ गई सबको समझ में, एक पोलर नॉन पोलर, सिमेट्री नॉन सिमेट्रिकल, डिग्री ऑफ पोलैरिटी का, एक आता है इसमें आयनिक परसेंटेज निकालने के लिए। देखो कोवेलेंट में भी आयनिक परसेंटेज होता है, जैसे हमने क्या किया था आयनिक में कोवेलेंट करेक्टर निकाला था, ऐसी ये कहता है कि जो कोवेलेंट होता है इसमें भी क्या होगा आयनिक परसेंटेज होगा, ये कह